13वीं कहानी इजराइल दे कन्ने परमेश्वर दी बाचा। इजराइलियें गी लाल समुद्र कोला पार लिए जाने दे बाद परमेश्वर उनेंगी जंगल कोला होइए सीने अखने अले पहाड़ दे उपर लेइए चलिया। ए उगे पहाड़ आ जिथे मूसा ने झुड़ियें गी जलदे दिखया हा। उन्हें लोकें उस पहाड़े थले अपने तंबुएं गी खड़े रिया। परमेश्वर ने मूसा गी ते इजराइल दे सारे लोकें गी आख्या, तुसें गी हमेशा मेरी गले गी मनना ते जे बाचा अं थोड़े कन्ने बनना है उसी बनाइए रखना है। अगर तुस इयां गै करदे ना ते तुस मेरा इनाम कीमती धान जाजकें दा राजे ते एक पवित्र जाति ठहरगे। परमेश्वर थमां उंदे कोल आने आस्ते लोकें 3 दिन तकर अपने आप की तैयार किया। उस वेले परमेश्वर सीने पहाड़ की ऊंचाई उपर उतरिया। जिसले वह आया ते भुंजाल होया, मिलकाया, धूआं निकलिया ते तुरियां दा जोरदार शब्द होया। उसले मूसा आपू पहाड़ उपर चढ़िया। उस वेले परमेश्वर ने लोकें कन्ने एक बाचा बनी। उसने आख्या, अं परमेश्वर यहोवा है, अं गे ए जिसने तुसें मिस्र दे नौकर बनना कोला छुड़ाया। कुसै भी देवता की पूजा नहीं करया, मूर्तियां नहीं बनाया ते ओदी पूजा नहीं करया, क्योंकि अं यहोवा थोड़ा इक्के परमेश्वर है। गलत तरह कन्ने मेरे नाँ का इस्तेमाल नहीं करया। सप्ते दे दिन की पवित्र मन्ने आस्ते चेता रख्या। दूए सप्ते च 6 दिनें च अपने सारे काम करया। 7वां दिन तेरे आस्ते आराम करने ते मिकी चेता करने का दिन है। अपनी माँ ते प्यो का आदर करया, अत्या नहीं करया, चोरी नहीं करया, अपने महल्ले आले दी लाड़ी ओदे घर दा ओदे कुसे भी समान गी लेने दी इच्छा नहीं करया। उस वेले परमेश्वर ने ए 10 हुक्में गी पत्थरें दी 2 पट्टियों उपर लिखिए मूसा गी देई दिता। परमेश्वर ने पालन करने आस्ते लोकें गी और बड़ी सारी व्यवस्था दिती। अगर उन्हें ए व्यवस्था दा पालन कीता ते परमेश्वर ने उन्हें लोकें गी सीस देने ते उन्दी राखी करने दा वायदा कीता। लेकिन उसने आख्या कि अगर उन्हें एदा पालन नहीं कीता ते ओह उनेंगी दंड देग। परमेश्वर ने इजराइलियों गी एक बड़ा तंबू बनाने आस्ते भी आख्या, मिलाप आला तंबू। उसने उनेंगी ठीक ठाक सुनाया कि इस तंबू की कियां बनाना है ते ओदे कोल केड़ी चीजें गी रखना है। उसने उनेंगी उस तंबू गी 2 कमरे च बंडने आस्ते एक बड़ा परदा बनाने आस्ते भी आख्या। परमेश्वर उस परदे दे पिछले आले कमरे च होग ते उत्थे रोग। जिथे परमेश्वर हा उस कमरे च जाने दी इजाजत खाली महाजाजक की ही। उन्हें लोकें गी उस मिलाप आले तंबू दे सामने एक बेदी गी बनाना होग। कोई भी जगह परमेश्वर दी व्यवस्था गी नहीं मनोग ओ उस बेदी उपर एक जानवर गी लेइए आवे। उस वेले जाजक उसी बली करोग ते बेदी उपर परमेश्वर दे आस्ते बली दे रूप च जलाग। परमेश्वर ने आख्या कि उस जानवर दा खून उस माणू दे पापें गी खटी लेग। इस तरह कन्ने उन परमेश्वर उस पापी गी नहीं दिखग, ओ माणू परमेश्वर दी नजरी च शुद्ध ठहरग। परमेश्वर ने मूसा दे भरा हारून गी ते हारून दे वंश गी अपने जाजक होने आस्ते चुनिया। परमेश्वर ने उन्हें लोकें गी जेके कानून दिते हे ओ उदा पालन करने आस्ते राजी होए। ओ खाली परमेश्वर दे लोकें होने गी ते खाली ओदी भक्ति करने आस्ते राजी होए। कई दिन तक मूसा सीने पहाड़ दी चौई उपर गे रहा। ओ परमेश्वर कन्ने गल्लां करदा हा, लेकिन लोक उसी वापस आने आस्ते दिखी दिखी उटिए। इस करी ओ हारून दे कोल सुन्ना लेइए आए ते उसी एक मूर्ति बनाने आस्ते आख्या कि ओ परमेश्वर दे बजाय ओदी भक्ति सकन। इस तरह कन्ने उन्हें परमेश्वर दे खिलाफ होने बड़ा ज्यादा पाप कीता। हारून ने बशुए शकली च सुन्ने दी एक मूर्ति बनाई। उन्हें लोकें उस मूर्ति दी भक्ति करना शुरू करी दिता ते उसी बलि चढ़ाई। उन्दे पाप दी वजह कन्ने परमेश्वर उन्दे थमां मता गुस्सा होया हा। ओ उनेंगी नाश करना चाहता हा, लेकिन मूसा ने उनेंगी नहीं मारने दा परमेश्वर अगे बिनती की। परमेश्वर ने उदी बिनती की सुनिया ते उन्हें नाश नहीं किया। आखर वेले मूसा सीने पहाड़ थमां थले उतरी आया। ओ उन्हें गे पत्थरें दी 2 लेते दा हा जिथे उपर परमेश्वर ने 10 हुक्में गी लिखिया हा। भी उसने उस मूर्ति की दिखिया, ओ इन्ना गुस्से च होया कि उसने उन्हें पट्टियें गी चकनाचूर करी दिता। भी मूसा ने उस मूर्ति की त्रोड़िए ओदा बूरा बनाई दिता ते उस बूरे की पानी च मलाइए
उनें लोकें गी ओ पानी पलाई दिता। परमेश्वर ने उनें लोकें उपर बिपता भेजी ते उनें बिचा मते लोग मरी गए। जिन्हें पट्टियें गी मूसा ने त्रोड़ी दिता हा उनका थार लेने आस्ते मूसा ने उनके दस हुक्में दे नवी पट्टियें गी बनाया। उस वेले ओ भी दुबारे पहाड़ उपर चढ़ी गया ते प्रार्थना की कि परमेश्वर उन्हें लोकें गी माफ करे। परमेश्वर ने मूसा दी सुनी ते उन्हें माफ करी दिता। नवी पट्टियें उपर दस हुक्में गी लेते दे मूसा पहाड़ थमां थले उतरी आया। उस वेले परमेश्वर ने सीने पहाड़ लेइए वायदे दे मुल्क तकर लेइए इजराइलियों की अगवाई की।